जी, हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इसके बारे में मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड किए थे हमने, रैम रोम और क्या है आपका कैसे यूजर जो इसमें काम करता हो क्या कहलाएगा रैम, जो परमानेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा स्थाई कौन हुआ रोम, और आपका अस्थाई कौन हुआ वॉलेटाइल कौन हुआ और नॉन वॉलेटाइल क्या हुआ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तो किसमें रहेंगे रोम में रहेंगे, किसमें रहेंगे जिसमें हम लोग काम कर रहे हो एप्लीकेशन जो है वो किसमें है आपका रैम, किसमें है रैम। समझ में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसा कौन सा रोम है जिसमें हाई वोल्टेज का प्रयोग करके डेटा मिटाया जाता है, WEP रोम, ठीक है। ऐसा कौन सा रोम है जिसमें आपका अल्ट्रा वायलेट किरणों का प्रयोग करते हैं डाटा मिटाने के लिए, EP कौन सा है EP, ठीक इतना हो गया। भजी भजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आप कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं, बताइए सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी कौन सी कहलाएगी आपकी, कैश। अभी तक जो पढ़े उसमें कैश है सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर। क्वेश्चन पूछेगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर। और याद रखना जिसकी कैपेसिटी जितनी कम होगी उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी। मैं बताया था एक छोटा सा पत्थर बहुत तेज बहुत दूर तक जाएगा उसकी स्पीड क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी साइज क्या है कम है। बड़ा पत्थर उठा के मारोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। ठीक, पहले जमाने में हम लोग पत्थर मार के क्या कहते हैं आम तोड़ा करते थे, ठीक है। अभी मैं गांव गया था कुछ बंदर बंदर को मारने के लिए पत्थर फेंक के मारा तो यहाँ पास पकड़ लिया था मेरा, ठीक है। तो बता रहा हूँ मतलब एक उम्र के साथ साथ इंसान के शरीर भी क्या हो जाती है काम करना बंद कर देती है, ठीक। पहले जब देखो सबसे ज्यादा जो इंसान काम करता है ना किस उम्र में काम करता है पता है, जब वो युवा अवस्था में जा रहा होता है, ठीक है। 10th 11th 12th कॉलेज ये जो 6 साल होते हैं ना आपके 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेज के 3 साल 6 साल इंसान भयंकर एक्टिव रहता है, उस समय उसका दिमाग खुल गया मतलब बहुत अच्छी बात है। और जो इंसान आफ्टर ग्रेजुएट का दिमाग खोलता है वो फिर आर पर चला जाता है RC पर चला जाता है। इसीलिए देखना अभी अभी रिजल्ट देखना कभी 1994 95 96 के बच्चे लोग टॉप कर रहे हैं, 98 2000 के बच्चे टॉप कर रहे हैं, क्योंकि 20 से 21 साल की उम्र में उन लोग समझ में आ जाता है करना क्या है। 3 साल तैयारी करते हैं 24-25 साल में कलेक्टर बन जा रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बन जा रहे हैं DSP बन जा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी, किसी बारे में बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं दिखाना फोन दिखाना अंकल जी नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, तो पहले तो इसका नामकरण देख लीजिए क्या है इसका नामकरण। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया बताइए, पहला तो हो गया आपका क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी, क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी, सहायक मेमोरी है तो ये हो गया ऑक्सिलरी। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसको और क्या बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अफेयर नहीं होता रे मेमोरी भी होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी हो गया, ऑक्सिलरी हो गया आपका एक्सटर्नल, और एक होता है क्या आपका बैकअप, क्या हो गया आपका बैकअप। ये सब मेमोरी हो गई आपकी। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कहलाता है आपका क्या सिक्वेंशियल मेमोरी, क्या कहलाता है बोलो सिक्वेंशियल, और एक कहलाता है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, कौन सा एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जहां हम लोग सिक्वेंस सिक्वेंस से पहुंच रहे हैं 1 2 3 करके पहुंच रहे हैं वो सिक्वेंशियल कहलाएगा, जहां हम लोग डायरेक्ट पहुंच रहे हो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट एक्सेस। और सिक्वेंशियल मेमोरी केवल एक एग्जांपल है और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक क्या भैया टेप। और इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अब ये डिस्क वाली संरचना बनाती है, पहला कहलाता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा कहलाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। अब फिर मैग्नेटिक डिस्क को 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले इसे पढ़ना है हमको कौन सा आपका बताइए फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको साइज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है,
किसको लेकर? साइज। इसका जो आकार होता है ना वो कितने इंच का होता है ये पूछता है, 8 इंच का होता है, 3 इंच का होता है कि 3.5 इंच का होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद चर्चा करेंगे, इसके हम लोग पढ़ेंगे विंचेस्टर, ठीक है, जिप डिस्क लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है क्या आपका विंचेस्टर, फिर क्या है बताइए आपका हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल हम लोग बात करेंगे सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, इसके फुल फॉर्म पूछता है अक्सर। यहाँ पास आपको कार्ड, चिप कार्ड की बात करेंगे, चिप की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रिंटर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंडरी मेमोरी। किसके बारे में बात करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। तो लिखना सेकेंडरी मेमोरी, इसको तो लिख लिया हो ना, ये तो हो गया ना जी। लिखना सेकेंडरी मेमोरी, डायरेक्ट लिखना सेकेंडरी मेमोरी, लिखना सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी कहलाती है जिसका प्रयोग बाहरी घटकों के रूप में किया जाता है, बाहरी घटक के रूप में किया जाता है, बाहरी घटक के रूप में किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी कहलाती है जिसका प्रयोग बाहरी घटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट टाइम लिखना है, इसका उपयोग एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग एक्स्ट्रा स्पेस के लिए किया जाता है। लिखना यह नॉन वोलेटाइल, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होगा जी? हाँ, यह नॉन वोलेटाइल स्थाई, यह नॉन वोलेटाइल यह स्थाई मेमोरी होती है। जैसे रोम था ना वैसे, मतलब पावर कट या ऑफ होने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखना इसके अलावा यह रिमूवल, यह रिमूवल मेमोरी होती है। रिमूवल मतलब रिमूव, रिमूव कर सकते हैं ना जी, हटा सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, जब चाहे तब लगा सकते हैं, जब चाहे तब हटा सकते हैं। यह एक रिमूवल, रिमूवेबल, लिखते नहीं बराबर, मुड़ दो देख के लिख लो। रिमूवेबल मेमोरी होती है, हो गया पास। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिक्वेंशियल की मेमोरी बारे में। लिखेंगे सिक्वेंशियल मेमोरी किसे कहते हैं? किसी भी डेटा सिक्वेंशियल मेमोरी के द्वारा एक क्रम में रखा जाता है, किसी भी डेटा को सिक्वेंशियल मेमोरी द्वारा एक क्रम में रखा जाता है। क्लियर है? ठीक ना, सिक्वेंशियल मेमोरी में यूजर, सिक्वेंशियल मेमोरी में यूजर किसी डेटा तक पहुंचने के लिए क्रमवार गुजरता है, क्रमवार गुजरता है, हो गया। मतलब यह है कि अगर आपने सिक्वेंशियल मेमोरी में कुछ स्टोर करके रखा है, अपना मार्कशीट रखा है 1 से लेकर 12 तक का, 1 से लेकर कहां तक का जी? 12 तक। और आपको जाना है 6th मार्कशीट में, तो आप पहले 1 में जाओगे, फिर 2 में जाओगे, फिर 3 में जाओगे, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर कहां जाओगे आपका? एक सीक्वेंस में गुजरना पड़ेगा। मतलब 12वीं का आपको मार्कशीट अगर ढूंढना है तो पहले 1, फिर 2, फिर फॉरवर्ड करते करते कहां पहुंचोगे? 12। जैसे पहले जमाने में जो कैसेट के गाने हुआ करते थे, अब 5वां गाना पसंद है और गाने उस कैसेट में 8 गाने हैं, तो 5वें गाने पहुंचने के लिए 1 से चलता था आपका 4 तक, फॉरवर्ड करते थे उसको, फॉरवर्ड कर करके 1 खत्म करते थे, फिर 2 को फॉरवर्ड कर करके 2 खत्म करते थे, तब जाके कहां पहुंचते थे? 5 में, ठीक, ऐसा समझिए। इसका प्रयोग जो होता है ना, ये भले आपका सिक्वेंशियल मूवी लग रहा है कि अभी वर्तमान में खत्म हो गया, नहीं, वर्तमान में खत्म नहीं हुआ है। जितने भी आपके कैसेट्स, आपके जो बड़े बड़े
पिक्चर वगैरह रिलीज होते हैं ना वो मैग्नेटिक टेप के द्वारा ही क्या कहते हैं स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो सिनेमा हॉल में जो आपको फिल्म वगैरह दिखाया जाता है बड़े पर्दे में, वो आपके मैग्नेटिक टेप में ही स्टोर होते हैं। बड़े बड़े क्या होते हैं उसके रील्स होते हैं, क्या होते हैं जी रील्स, उसके माध्यम से उसको क्या किया जाता है शो किया जाता है, ठीक। आज भी इसका उपयोग है, भले कैसेट खत्म हो चुका होगा लेकिन बड़े बड़े आपके सिनेमा हॉल में जो मूवीज वगैरह लगती है, लगती कि नहीं लगती है, वो जो बड़े पर्दे में लगती है, गांव में जो आता है आपका मूवी भी आता नहीं, ये खेत में बैठा देते हैं, वीसीआर बोलते हैं, हाँ पहले तो वीसीआर था अभी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये सब किस में यूज होता है आपका सिक्वेंशियल मेमोरी में यूज होता है, मैग्नेटिक टेप में यूज होता है। इसके अलावा इस पे लिखना सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर डेटा को, स्टोर डेटा को रिकॉर्ड कहते हैं, सिक्वेंशियल मेमोरी में स्टोर डेटा को रिकॉर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक ना। इसका एग्जांपल एक ना मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे मैग्नेटिक टेप। देखिए जब भी ये वर्ड आता है मैग्नेटिक तो ये बना होता है आयरन ऑक्साइड का, किसका बना होता है बताइए, आयरन ऑक्साइड का, लिख लेना। यह एक आयरन ऑक्साइड का बना टेप होता है, यह एक आयरन ऑक्साइड का बना टेप होता है, ठीक। देखो अब ये आयरन ऑक्साइड अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसी को हम लोग बोल देते हैं चुंबकीय टेप, क्या बोलते हैं चुंबकीय, ठीक। मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय और टेप को बोलेंगे टेप, ठीक। अगर चुंबकीय टेप भी ऑप्शन में अगर नहीं है तो आपको रखना है क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये किसका बना होता है आपका लिख लेना है क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड का बना होता है, किसका बना होता है देवताओं, क्रोमियम डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। देखना एक प्लास्टिक के टेप में, एक प्लास्टिक के टेप में टेप को लिखना, एक प्लास्टिक के टेप को मैग्नेटिक या आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, मैग्नेटिक या आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इसके एग्जांपल लिखेंगे कैसेट्स, इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे कैसेट। चलिए देखिए अब हम लोग सब जो पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, कौन सी मेमोरी बताइए, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, मतलब हमको जहां पहुंचना है वहां हम लोग डायरेक्ट क्या हो सके हैं पहुंच सकते हैं, ठीक है। 10 स्टोरेज, 10 डेटा है तो 10 में से हमको 5 में जाना तो हम डायरेक्ट 5 में जा सकते हैं, ठीक है। वर्तमान की जो भी आपका देखते हो सीडी डीवीडी या आपका आपका जो पेन ड्राइव होते हैं उसमें जो भी आपको एक्सेस करना आता है उसमें हम डायरेक्ट उसमें पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पास एक वर्ड आता है जो सर्वाधिक यूज होता है वो है आपका डिस्क, क्या बोलो डिस्क। तो अगर आपने डिस्क की संरचना समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक कौन से पूछे गए हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है या सीडी डीवीडी या वीआरडी या एचवीडी होते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार। दूसरा जब ये डिस्क वर्ड आता है तो बना किससे होता है, तो याद ना प्लेट रहेंगे, क्या रहेगा तैयार आपका प्लेट रहेगा। अब इसको समझेंगे, अच्छे समझना है, पास कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले जो सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलते हैं बोलो सेक्टर, क्या बोलते हैं सेक्टर, ए सेक्टर, जैसे कॉलोनी होता है ना सेक्टर में डिवाइड रहता है वैसे ए सेक्टर बी सेक्टर। सेक्टर से बड़ा होगा आपका ट्रैक, क्या होगा बोलो ट्रैक, ट्रैक से बड़ा होगा क्लस्टर, क्या होगा बोलो क्लस्टर, और क्लस्टर से बड़ा होगा सिलेंडर, क्या होगा बताइए सिलेंडर। तो सबसे बड़ा क्या हो गया जी आपका सिलेंडर, जो पूरी तरीके से एक राउंड फॉर्म में जो डिस्क रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलेंडर का बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर किससे मिलके बना है क्लस्टर से, क्लस्टर किससे मिलके बना है ट्रैक से, और ट्रैक किससे मिलके बना है सेक्टर, और सेक्टर से पहले आता है प्लेट, क्या आता है प्लेट, प्लास्टिक की क्या होती है प्लेट होती है, ऑप्शन में है तो ठीक
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं याद करवाता हूं आपको, बड़ा सिंपल तरीके से आपको याद करा देता हूं, तुरंत याद हो जाएगा, कोई हेडेक मत लीजिए। ठीक, देखिए ये हो गया आपका सिलेंडर, ये क्या है जी सिलेंडर, ये क्या हो गया आपका सिलेंडर, चीज समझ में नहीं आ रहा है। अब आप गए हो मार्केट में, ठीक है, पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा आपके सामने आ गया है, पिज्जा आपके सामने है तो पिज्जा सिलेंडर समझिए, पिज्जा क्या है आपका सिलेंडर। ठीक, अब आप उसमें सॉस डाल रहे हो, और उसमें क्या डाल रहे हो मुर्दो, सॉस, रंग बिरंगी क्या कर रहे हो, सॉस डाल रहे हैं, क्या डाल दिए सॉस। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको फिर डिवाइड किए गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्लस्टर, क्या बोलेंगे क्लस्टर, डाल दिए सॉस, ठीक, जैसे जलेबी बनाते हैं वैसे। उसके बाद उसका एक, उसको काटने का एक अलग से आता है कटर, पिज्जा कटर आता है कि नहीं आता है, अब पिज्जा कटर ले लिए, अब इसको काट रहे हो, काट रहे हो कि नहीं काट रहे हो, इस तरीके से पांच लोग हैं तो पांच पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये जो आपका ये कटिंग वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है क्या जी, ट्रैक, क्या कहलाएगा ट्रैक, क्या कहलाएगा मुर्दो ट्रैक। उसके बाद एक हिस्सा आपने ट्रैक को निकाला, ट्रैक का एक हिस्सा ये वाला हिस्सा आपने निकाला, बड़ा वाला हिस्सा आपको चाहिए, बड़ा वाला निकाल लिए। जब आप खाओगे तो खाओगे तो ये हिस्सा खाओगे ना जी, अरे खाओगे तो ये हिस्सा खाओगे ना, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका सेक्टर। तो सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा तुम्हारा सेक्टर। अब समझ में आया कि नहीं आया, पिज्जा को ध्यान दीजिएगा, पूरा पिज्जा क्या कहलाएगा सिलेंडर कहलाएगा, जो सॉस डाल रहे हो क्या कहलाएगा आपका क्लस्टर कहलाएगा, फिर कटिंग कर रहे हो तो क्या कहलाएगा ट्रैक, और उसके बाद जो एक बाइट खा रहे हो क्या कहलाएगा आपका सेक्टर। ठीक, इस तरीके से क्या बना होता है डिस्क बना होता है, क्या बना होता है डिस्क। और डिस्क जब भी आप पढ़ोगे, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे विंचेस्टर डिस्क हो, चाहे जिप डिस्क हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो, चाहे डीबीडी हो, वीआरडी हो, जहां ये डिस्क वाले वर्ड आ जाते हैं वहां पास इसकी संरचना, सभी डिस्क की संरचना ऐसी होगी, सेक्टर से शुरू होगा सिलेंडर पे खत्म होगा। ठीक है, और इसको जो चलाने वाला रहेगा वो कहलाता है ड्राइव, क्या कहलाता है ड्राइव, जैसे सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, वो ड्राइव वर्ड चलाने के लिए यूज होता है, जिसके माध्यम से वो क्या होता है चलता है। सीडी तो सीडी हो गया, एक वो एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव लगी होती है, क्या लगी होती है सीडी ड्राइव। ठीक, इतना नोट कर लेंगे, पहले ये जो मेन था उसके बारे में बता दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस में, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, किसके बारे में मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, डिस्क की समस्या बता चुका हूँ, मैग्नेटिक के बारे में बात कर चुका हूँ। जब भी मैग्नेटिक वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है इसमें आयरन ऑक्साइड का क्या लगा होगा, लेयर लगा होगा, और डिस्क की संरचना आपको बता ही चुका हूँ, सेक्टर ट्रैक क्लस्टर और आपका क्या होगा सिलेंडर। अब इसका सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है आपका क्या जी, आपका फ्लॉपी डिस्क, कौन सा डिस्क है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है सर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, ठीक है, इसकी जो साइज होती है ये छोटी होती है, 3.5 इंच की होती है, 5.2 इंच की होती है, 8 इंच तक की होती है, ये इसकी आकार की साइज है, लेकिन इसकी कैपेसिटी वो भी कम होती है, कोई इसकी देखो इतना कम होता है 1.44 MB, 2.88 MB, ऐसा इसका क्या होता है कैपेसिटी होती है एमबी में, किसमें होती है एमबी में। ठीक, इसका उपयोग बहुत पहले करते थे। अब ये क्या है, एक वृत्ताकार क्या होता है प्लास्टिक नुमा संरचना होता है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ही क्या होती है कम होती है। बस ये रखना है कि फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क है, क्या है प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, लिखना है इसमें, यह एक वृत्ताकार प्लास्टिक की संरचना होती है, यह एक वृत्ताकार प्लास्टिक की संरचना होती है, जिसे डिस्कैट भी कहते हैं, जिसे डिस्कैट भी कहते हैं, जिसे डिस्कैट भी कहते हैं। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया वो साइज को लेकर पूछा गया हमेशा, तो इसकी तीन साइज आपको बहुत फेमस मिलेंगी, एक होता है ये पूरे इंच में है 3.5 इंच, 5.25 इंच, और एक होगा आपका 8 इंच। ये सामने आपके सामने इसका डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इमेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसके हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में, तो मुख्यतः याद रखना है इसमें, इसको कैपेसिटी के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
एक होता है आपका एच डी सॉरी डीएसएचडी, एक होता है डीएसईडी। इसका मतलब होता है डबल साइडेड हाई डेंसिटी। इसका मतलब होता है डबल साइडेड एक्स्ट्रा हाई की जगह क्या जाएगा एक्स्ट्रा डेंसिटी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा वर्ड आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी कैपेसिटी जो होती है डी एस एच डी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 1.44 MB, और इसकी होती है 2. जस्ट डबल। क्वेश्चन आपसे जब पूछेगा वो साइज को लेकर पूछा है कि फ्लॉपी डिस्क की साइजें इनमें से कौन सी नहीं है, तो तीन के अलावा चौथा जो रहेगा वो नहीं होगा। चीजें क्लियर है, ये फ्लॉपी डिस्क नोट कर लेंगे। फ्लॉपी डिस्क अगर समझ में आ गया इसके बाद हम लोग देखेंगे जिप डिस्क। कौन सा डिस्क? जिप। एक चीज याद रखना, फ्लॉपी डिस्क जो है सेक्टर और ट्रैक में ही डिवाइड होगा, उसके आगे तक नहीं जा पाएगा। किसमें भैया? सेक्टर और ट्रैक, इसको एक नोट कर लो। अब सवाल आता है कि सर इसके बाद क्या है? तो देखिए इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिप डिस्क। क्या पढ़ा रहे हैं भैया? जिप डिस्क। कुछ नहीं है, जो फ्लॉपी डिस्क है वही जिप डिस्क है, बस इसका एडवांस वर्जन। किसका एडवांस वर्जन? फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन क्या कहलाएगा? जिप डिस्क कहलाएगा। अरे फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन क्या कहलाएगा मुर्दो? जिप डिस्क। जहां फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी 1.44 MB थी, 2.88 MB थी, यहां जिप डिस्क की कैपेसिटी 100 से 200 MB तक होगी। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। चाहे साइज देख लीजिए, इसके आकार की बात करेंगे भी आपका वृत्ताकार रहेगा। ये जो दिख रहा है आपको प्लास्टिक, ये भले स्क्वायर में है, अंदर का जो डिस्क रहता है वो कैसा रहेगा मुड़ दो? वृत्ताकार रहेगा। ठीक है ना, गोलाकार रहेगा। ठीक है, बोलो सर वृत्ताकार वृत्ताकार बोल रहे तो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं, वो भले उसके ऊपर का कवर है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो यहां पास आप लिख लेंगे जिप डिस्क फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन। और इसकी कैपेसिटी 100 से 200। पढ़ना एक को है, दूसरे को पढ़ने को सकता नहीं है। जहां एडवांस वर्ड यूज हो जाता है तो बस उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा बढ़ने की आवश्यकता उसमें नहीं। तो इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे जी? हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे। ये जो हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो आविष्कार है ये हुआ था 1956 में IBM कंपनी के द्वारा। अब ये क्या होता है? हार्ड डिस्क जो होता है एक एल्यूमिनियम की परत होती है। एल्यूमिनियम की क्या होती है भैया? परत होती है जिस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। जिस पर आयरन ऑक्साइड ही क्या चढ़ाई जाती है? लेयर चढ़ाई जाती है। ये एल्यूमिनियम की एक परत होती है जिस पर लेयर चढ़ाते हैं किसकी? आयरन ऑक्साइड की। ठीक, अब क्योंकि ये मैग्नेटिक क्या है? डिस्क है। अब इसमें वही कहानी है जो बताया गया है। ये जो होता है एक सिलेंडर नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है बताइए? सिलेंडर नुमा संरचना होती है जो खुद किसमें डिवाइड होता है बताइए? बताइए जी, क्लस्टर में। क्लस्टर खुद किसमें डिवाइड होता है आपका? ट्रैक में। और ट्रैक खुद किसमें डिवाइड होता है आपका? सेक्टर में।
देखेंगे आप, मैं देखेंगे इमेज देखेंगे समझ में आएगी मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ये देखिए ये एल्युमिनियम की धातु की क्या उसके ऊपर क्या चढ़ा दी गई है आपकी परत चढ़ा दी गई है। ये एल्युमिनियम की क्या है आपकी एक परत लेयर है ठीक है, ये चढ़ा दी गई है। अब इसके अंदर एक्चुअल में पाया जाता है डिस्क, वो कहलाता है क्या आपका हार्ड डिस्क। और ये एल्युमिनियम की धातु की बनी होती है या इसके ऊपर चढ़ी होती है जिसके अंदर क्या होता है आपका वो डिस्क होता है। और वो डिस्क के ऊपर क्या है आयरन आयरन ऑक्साइड की क्या चढ़ाई जाती है लेयर चढ़ाई जाती है ठीक है। अब वही कहानी है सिलेंडर क्लस्टर ट्रैक और क्या है आपका सेक्टर। जब भी डेटा डाला जाएगा या आपने हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है तो नीचे से ऊपर नहीं रहेगा, वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। मतलब सिलेंडर भरते हुए क्लस्टर, क्लस्टर में भरते हुए ट्रैक और ट्रैक से भरते हुए कहां तक जाएगा वो सेक्टर में। लिखे है ना डेटा सिलेंडर से सेक्टर की ओर स्टोर होते हुए जाता है, डेटा सिलेंडर से सेक्टर की ओर स्टोर हुए होते हुए जाता है क्या कहलाता है आपका सिलेंडर से सेक्टर की ओर। अब बात समझो सिलेंडर है, सिलेंडर से क्या है बताइए आपका क्लस्टर है, क्लस्टर से क्या है भैया ट्रैक है और ट्रैक से क्या है आपका सेक्टर। जब डेटा सिलेंडर से ट्रैक तक पहुंचता है, जब डेटा सिलेंडर से ट्रैक तक पहुंचता है तो जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं सिक टाइम। क्या बोलते हैं बोलो कौन सा टाइम कहेंगे सिक टाइम। और जब ये ट्रैक से, जब ये कहां से ट्रैक से सेक्टर तक जाता है तो इसे बोलते हैं लेटेंसी टाइम। कौन सा टाइम बोलेंगे इसको लेटेंसी टाइम, कौन सा टाइम बोलते हैं जी लेटेंसी। अब डेटा कहां है, कहां है सेक्टर में, कहां है आपका सेक्टर। और जब कोई डेटा सेक्टर में है तो सेक्टर में डेटा को स्टोर करना और उसे रीड करना, सेक्टर में डेटा को स्टोर करना और रीड करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसफर रेट। उसे क्या बोलेंगे जी ट्रांसफर रेट। तो ये क्या हो गया आपका हार्ड डिस्क, ये क्या हो गया हार्ड डिस्क। अब एक बज गया तुम्हारा कौन सा आपका बताइए विनचेस्टर, क्या होगा विनचेस्टर। कुछ नहीं हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन, हार्ड डिस्क का एडवांस वर्जन क्या कहलाता है बताइए भैया विनचेस्टर क्या कहलाता है। अब इसमें मैंने कैपेसिटी नहीं बताया है, क्या नहीं बताया है कैपेसिटी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी दिन ब दिन क्या होती जा रही है बढ़ते जा रही है। पहले 320 जीबी का था, फिर 500 जीबी का आया, फिर 1 टीबी का आया, आजकल 2 टीबी तक का आ रहा है। सुने में सुने हो हार्ड डिस्क ठीक 6 टीबी तक का आ रहा है। इसलिए इसकी स्पीड कैपेसिटी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। खैर इसकी स्पीड अगर इसकी कैपेसिटी लिखना है, कैपेसिटी बहुत सिंपल सा लिख लेंगे, अगर लिखना भी है तो लिख लेना है टीबी तक का रहता है इसका स्पीड। टेराबाइट, कौन से बाइट तक का रहता है टेराबाइट, इसको नोट कर लेंगे।